नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज हम लोग आए हुए हैं सन सिटी सिनेमा में फिर से एक बार शड़ा मूवी के रिव्यूज लेने के लिए। तो बहुत सारी पब्लिक आई हुई है और बहुत ज्यादा क्राउड है यहाँ पे शड़ा मूवी को लेकर, लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है। तो बहुत सारे बंदे मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, तो उनसे मिलकर जानते हैं कि शड़ा मूवी उन्हें कैसी लगी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको शड़ा मूवी कैसी लगी? बहुत नाइस मूवी थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। कैसी, किस टाइप की मूवी है? फैमिली मूवी है, फ्रेंड्स मूवी है? फैमिली मूवी है। सिर्फ एंटरटेनिंग सीन कौन सा लगा? जो यानी कि अपना गांव वाला सीन था, बहुत बढ़िया सीन था वो, गांव का जैसे पिंड का जो दर्शन था ना, बहुत बढ़िया सीन है वो। तो हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिव्यूज लेते हैं। तो मैम, कैसी लगी आपको शड़ा मूवी? बहुत अच्छी लगी जी। फ्रेंडली विद फैमिली, वी कैन एंजॉय। सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा लगा, मतलब देख के आपका दिल खुश हो गया? जिसके ऊपर जो उसकी शादी नहीं हो रही, चले मतलब वो इतनी दूर जाके उसको जब ढूंढ के लाता है, उसका मेल हो जाता है, फिर उसको बताता है कि आई लाइक यू। मैम, जैसे मूवी चल रही थी तो बीच में भांगड़ा भी लोग कर रहे थे, तो कैसा लगा आपको भांगड़ा? वो बहुत अच्छा था उनका। आप आगे भी चाहती है कि ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस होती रही सिटीजन सिटी में? हाँ जी, बिल्कुल। और मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी थी, फैमिली मूवी है, कोई ऐसी बात नहीं है। भांगड़ा भी बहुत अच्छा था। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शड़ा मूवी आपको कैसी लगी? अच्छी मूवी थी। किस टाइप की मूवी है, फैमिली मूवी है, फ्रेंड्स मूवी है, किस टाइप? दोनों ही है। सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा लगा? लास्ट में जो आया था उसमें लगा था। जैसे आज परफॉर्मेंस, जैसे मूवी चल रही थी तो बीच में भांगड़ा परफॉर्म भी किया गया था, भांगड़ा प्लेंट की तरफ से, तो कैसा लगा आपको? अच्छा था। तो आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस होते रहे? हाँ जी, बिल्कुल होते रहे। सर, जैसे आप शड़ा मूवी देख के आए हैं, तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी लगी। सबसे इंटरेस्टिंग सीन कैसा लगा? इसके अंदर लास्ट में जो वो बोलते हैं कि जवाई आपने दो कट्ठे कर लिए, पर लड़की तो आपके पास एक भी नहीं है, दैट वाज अ गुड डायलॉग। तो पंजाबी मूवीज देखने का ज़्यादा शौक रखते हैं या फिर बॉलीवुड? जो भी फनी और रिलैक्स हो, और एटलीस्ट जहाँ आपको मूवी देख के लगे दैट इट्स एंटरटेनिंग, चाहे वो हिंदी हो या बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो। किस टाइप की मूवी है, फैमिली मूवी है, फ्रेंड्स मूवी है, कैसी? प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट। आपके मैम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी जानते हैं, मैम कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया मूवी, बहुत ही अच्छी। एक्चुअली वी आर फैन ऑफ दिलजीत, इनकी जट एंड जूलियट देखोगे आप, पार्ट वन पार्ट टू, और सारी मूवी देखते हैं दिलजीत की भी, सरदार जी वन एंड टू, ही इज अ गुड गाय, गुड एक्टर। आपसे भी कर लूं सवाल, आपको कैसी लगी मूवी? अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। आप दिलजीत दोसांझ के फैन हो? नहीं। और बीच में जब भांगड़ा दिखाया गया था, भांगड़ा पसंद आया आपको? तो मतलब आपके आपके फेसेस से लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप एक बार आइए, देखिए प्लीज। और किस टाइप की मूवी है? वन व्यू, वन वन टाइम देखने वाली है, दो टाइम, मतलब कितनी बार देखेंगे? वन टाइम, वन टाइम। ओके, जैसे पिछली दिल्ली दोसांझ की इतनी मूवी आती थी, तो उनमें से मतलब कैसी लगी आपको ये मूवी? ये उनसे बेटर नहीं है। यस सर, आपको कैसी लगी? बता दिया मैंने तो। वो कुत्ता ही होगा जेड़ा ब्याह कराऊगा। तो मैम, आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे आज आप दिलजीत दोसांझ की शड़ा मूवी देखने आए हैं सन सिटी में, तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, इट्स अ फैमिली मूवी, वेरी नाइस मूवी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैम, आप किस वजह से देखने के लिए आए? बस दिलजीत है जी, जहाँ पे बस वहाँ पे तो जाना ही जाना है, मूवी बहुत अच्छी होती है। तो मैम, कौन सी मूवीज़ का आप ज़्यादा वो रखते हैं कि भाई मुझे पंजाबी देखनी चाहिए, बॉलीवुड देखनी चाहिए, सबसे इंटरेस्टिंग? बस कॉमेडियन मूवी हो, कॉमेडियन। हाँ जी। तो अभी हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो शड़ा मूवी देख के नहीं आए, तो इनसे जानती हूँ कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सिटी पिक। थैंक यू मैम। तो सर, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस मूवी? मैडम, पंजाबी मूवी है तो ऑब्वियसली अच्छी अच्छी होगी, कॉमेडी मिलेगी हमें देखने के लिए। और जैसे पहले इनकी मूवी सरदार जी आई थी, आज 4 साल बाद इनकी मूवी वापस आई है, तो कैसा लग रहा है आप? मैडम, अब बाकी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये बोल सकता है कि इट विल बी ग्रेट टू सी पंजाबी मूवी अगेन आफ्टर 4 इयर्स ऑफ ए स्टार। हाँ जी, दलजीत सिंह से एक्सपेक्टेशन तो होती है कि अच्छी मूवी। कैसी मूवी का आप शौक रखते हैं, पंजाबी बॉलीवुड कैसी? पंजाबी का ज़्यादा। मतलब वो कॉमेडी देखनी ज़्यादा पसंद? कॉमेडी। आपके बच्चे भी इनसे बात कर लेते हैं,
कैसी आपने पहले मूवी देखी है दिलजीत दोसांझ की? हाँ जी। कौन कौन सी? सरदार जी देखी है और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने देखी है। हाँ, कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी थी, मजा। और ये कैसी होगी? मैंने पहले इन्होंने कबीर सिंह ली थी, मैंने कहा ये मतलब लड़ाई वाली है, मतलब ऐसे। तो आपने टिकट चेंज करवाई? हाँ जी। तो आप दिलजीत दोसांझ की फैन हो आप? हाँ जी। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? कबीर देखने आए थे हमने सर के कहने पे, हम अब ये मूवी देख रहे हैं, पंजाबी मूवी। आप पंजाबी मूवीज का शौक रखते? यस यस यस। तो आप दिलजीत दोसांझ की फैन है, पंजाबी मूवीज के? फिर दिलजीत दोसांझ। मैम आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से? कॉमेडी मूवी है और कॉमेडी मूवी देखना बहुत पसंद है, इसलिए देखेंगे क्या निकलती है मूवी। तो आपने जैसे टीजर देखा होगा, टीजर में आपको क्या कुछ मतलब देखने को मिला कि हाँ मुझे मूवी देखने जाना? कॉमेडी है। मूवी देखने के लिए सिनेमा घरों में हर कोई आता है, लेकिन मूवी के साथ साथ जब भांगड़ा देखने को मिल जाए वो भी गानों पर, तो उसका मजा ही कुछ और है। तो भांगड़ा प्लेनेट के से हमारे साथ कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं, इन मेंबर से बात करके जानते हैं कि इनको कितना मजा आता है। तो सर जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला पब्लिक? मैम रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, शड़ा मूवी है, दिलजीत की मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं वो, और उनकी मूवी बहुत बढ़िया चल रही है, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, रिव्यूज़ देखे थे 5 out of 5 है, और हम लोग इसीलिए मूवी देखने आए थे कि एक बार एंजॉय भी हो जाएगा, लोगों का रिस्पांस देखेंगे और अपना भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा पूरा, बढ़िया। जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं कि ना भांगड़ा बीच में मूवी के करने में हिचकिचाते हैं, तो हिचकिचाहट आपकी कहाँ से दूर होती है? प्रैक्टिस। लगातार भांगड़ा करते रहोगे तो आपकी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी अपने आप। और लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है? रिस्पांस अच्छा है, जैसे हमने अंदर परफॉर्म किया स्टार्टिंग में, उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई हैं, बहुत अच्छा लगा है। जैसे आपके और मेंबर से बात कर लेते हैं, तो जैसे आप भांगड़ा प्लेनेट से हो, डांस ही काफ़ी अच्छा कर लेते हो, तो कैसा रिस्पांस देखने को मिलता है लोगों से? मैम रिस्पांस बहुत अच्छा है, जिस तरह हमने स्टार्टिंग किया था, इससे 2 साल पहले स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे पब्लिक का प्यार मिलता गया, हम भी उसकी प्यार के साथ में आगे आगे बढ़ते रहे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक छोटे लेवल पर शुरू किया था, लेकिन आज मोस्ट ऑफ सारा हिसार आउट ऑफ हिसार अच्छे लिंक बन गए हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो इसी हिसाब से हमारा कल्चर भी आगे बढ़ रहा है। कितने सालों से आप भांगड़ा प्लेनेट में हो, और कितने मतलब आपके अंदर से ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मुझे भांगड़ा का एक वो होना चाहिए, डांस? पंजाबी बंदे नूं तां भांगड़ा आना ही चाहिए है। सीधी गल है जी, बंदा छोटा ही होंदा, छोटे होंदे स्टार्ट हो जाता है, छोटे होते ही स्टार्ट हो जाता है कि हाँ भाई भांगड़ा करना है, डांस करना है, ये एक लगा लो खून में ही होता है, सीधी बात है। तो धीरे धीरे अभी ये है कि प्रोफेशनली हमने लास्ट 2 ईयर्स से 2017 में जून में स्टार्ट किया था, तो तब से हम प्रोफेशनली एकेडमी चल रही है, इस आर में अच्छा प्यार मिल रहा है पब्लिक का और कृपा मालिक की पूरी जी। सर जैसे आज आप मूवी के बीच में भांगड़ा करने के लिए आए हो, तो ये आपको मिला कहाँ से भाई हमें मूवी के बीच में ही भांगड़ा करना चाहिए? मैम इंस्पिरेशन यहीं से सर टीचर से मिली हमारे, कि जहाँ भी मतलब जहाँ मौका मिले एंटरटेन करने का खुद को कहीं भी, वहीं है। कितने सालों से आप भांगड़ा कर रहे हैं? मैं यहाँ सरूर के साथ 1 ईयर से कर रहा हूँ, वैसे मैं बचपन से ही कॉलेज में स्कूलिंग में भांगड़ा कर रहा हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितने सालों से आप भांगड़ा कर रहे हैं, और मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से जागा आपके अंदर? सालों से तो नहीं, मतलब 6-7 months हुए अभी हिसार में जब से आए हैं, यहाँ पे भांगड़ा प्लेनेट एक हमारा सेंटर था जो एकेडमी, उसमें हम उसके साथ मिले और वहाँ से हमने भांगड़ा वगैरह सीखा और काफ़ी मज़ा आ रहा है मतलब। और आज जो छड़ा मूवी है उसमें जो उसके सिंगिंग है, सॉन्ग है, वो काफ़ी मस्त है, और भांगड़े वाले सॉन्ग है। और लोगों का कैसे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है जब आप भांगड़ा करते हो? ऑलरेडी उनको खुशी मिलती है और उनको ऑलरेडी पैर झूम उठते हैं सबके, बस। तो कभी ऐसा मोमेंट आया है कि जैसे आप भांगड़ा कर रहे हो और बीच में कोई मतलब पब्लिक से ही उठ के आपके बीच में आ जाए? हाँ जी आया है ऐसे कई बार मोमेंट, सर आपने अभी इस इंटरवल में भी देखा है कि काफ़ी जो स्टूडेंट थे, जो एक्स्ट्रा जो आए हुए हैं, देखने वाले आए हुए हैं, उन्होंने भी मतलब हमारे साथ एंटरटेनमेंट किया। तो मैम जैसे आप यहाँ पे भांगड़ा करने के लिए आए हो, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है और कितनी खुशी मिलती है आपको ये काम कर? हमें खुद को भी परफॉर्म करके अच्छा लगता है, और लोग भी जब अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं वो हमसे पूछते हैं, हमारे साथ एंजॉय करते हैं, क्लैपिंग्स करते हैं बाद में, हमें और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो वी फील गुड। जैसे हमने छड़ा मूवी इंटरवल से पहले की सारी देखी है, तो कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी है, मैं तो वैसे भी दिलजीत की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ही इज़ बेस्ट। तो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवजोत जी सन सिटी से, तो इनसे भी जानते हैं कि जो छड़ा मूवी पंजाबी मूवी लगी हुई है उसकी रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, लोगों को कितनी पसंद आ रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी सिटी पिक। नमस्कार जी, सन सिटी की तरफ से आपका भी जी। तो सर जैसे छड़ा मूवी लगी हुई है, कबीर मूवी लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा मूवी देखने के लिए देखो क्रेज़ तो दोनों मूवीज़ के लिए है मैम, दोनों की अलग अलग क्राउड है, फैमिलीज़ ज़्यादातर छड़ा को लाइक कर रही हैं, यंग क्राउड और कॉलेज वाला क्राउड ज़्यादातर, और ये अपना कबीर सिंह को लाइक कर रहा है,
और पंजाबी का जो ये जोड़ी है ना मैम, जैसे दिलजीत की और नीरू बाजवा की, 4 साल बाद आई है क्योंकि अभी इनकी शादी हुई थी, नीरू बाजवा की उनकी गुड़िया हुई थी, उन्होंने थोड़ा सा वाइंड अप कर लिया था मूवी से, तो ये गैप के बाद आए हैं। बहुत ही अच्छी मूवी बनी है और मूवी का नाम है छड़ा बैचलर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और स्लोगन बड़ा अच्छा है, कुत्ता होए जड़ा ब्याह कराए, मतलब शादीशुदा लोग ज़्यादा समझ सकते हैं मूवी को। और एक कॉलेज की लाइफ है स्टार्टिंग में, उसके बाद गांव की लाइफ है, गांव में अगर कोई छड़ा रह जाता है तो उसके घर वालों को गांव वाले क्या कहते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ में क्या होता है, उसको कोई काम पड़ता है तो सारे उससे भागते हैं, जैसे बहुत अच्छे डायलॉग हैं, छड़ा कौन सा भैया बिसी देखता है, तो बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। और मूवी बड़ी प्यारी है मैम, एक चुलबुली मूवी है, हंसी वाली मूवी है, बहुत टाइम बाद दिलजीत जी ने पंजाबी में कमबैक किया है, फिलहाल तो ये पंजाबी में इंग्लिश में बॉलीवुड में चले गए थे, और जैसे ही कमबैक किया, और मतलब आपको पंजाब में तो सीट नहीं मिल रही और हिसार में सन सिटी में भी सीट नहीं मिल रही आपके सामने ही है, और इसके बाद ये भंगड़ा प्लेयर ने इसको 4 चांद लगा दिया जी आज, और जब मूवी के अंदर सॉन्ग्स चले तो आपने भी देखा होगा पब्लिक ने कितना एंजॉय किया, और साथ में डांस हो रहा है जी, लक तेरे पतले वास्ते बनिया टॉमी दियाँ जीना नी, ठीक है जी, फिर छड़ा मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है जी, और फिर उसके बाद कहना बापू तू ये सोच तेरा बच्चा जापानियाँ नहीं सोच रखता, जापानी जी 35% लोग ब्याह नहीं कराते, मतलब बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, और जो एक मियाँ बीवी की छोटी सी खट्टी मीठी लड़ाई होती है वो है, और लोग जिसको एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है कि हमारे ऊपर मूवी बनी है। तो लोगों को मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे मूवी को लेकर? देखो जी, लोगों को मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे आइए मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, और लोग अपने आप मूवी आके देख रहे हैं मैम, आपके सामने ही देखिए, रश देखिए, पैक शो चल रहे हैं, तो मूवी मैं तो कहूँगा जी छड़ा मूवी भी ज़रूर देखें, और अपना कबीर सिंह भी मूवी जरूर। तो आगे कौन कौन सी मूवी सर रिलीज होने इस अगले हफ्ते आ रही है मिंदो तहसीलदारनी, वो भी पंजाबी मूवी है, उसमें भी उसमें मैम जी आपने अगर देखा होगा जो आपकी वो चंद्रमुखी चौटाला आती है जी सीरीज में, वो हीरोइन है जी, गिप्पी गरेवाल है जी, और सप है जी, और ये बहुत ही अच्छी मूवी जाएगी जी, टोटली जैसे एक देखो जी परिवार के साथ जो बैठने वाली मूवी है वो पंजाबी मूवी में आपको कल्चर देखेगा, पुराना कल्चर, और एक आपको पंजाबी को समझने की भी लगेगा भी हाँ कॉमेडी, लोग पंजाबी को लोग कहते हैं चाह चार पंजाबी खड़े हो जाएं तो वहीं मेला शुरू हो जाता है, तो ये मेला ही लगा दिया जी दिलजीत जी ने, और मैं तो सनसिटी के बिहाफ से सबको कहूँगा जी, और एडवांस बुकिंग करवानी है तो हमारी वेबसाइट पे है जी, ticketnew.com है, sunsitycinemas.com है, bookmyshow.com है, और paytm.com है जी। अगर कोई करवाना पाए तो उनके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर? उसके बाद हमारे नंबर हैं जी, हमारे लैंडलाइन नंबर है, अगर आपको बुक करवाना चाहते हैं 9896554000, 9896553000, 9896522000, 9896517111, 9896527111, और इसके अलावा मैम अगर आपको हमारे शेड्यूल जानना है तो 7530301590, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 7530301590 हमारा फ्री सर्विस है जी, अगर आप इस पर कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आपका फोन काट देता है और आपको जो हमारा लेटेस्ट शेड्यूल चल रहा है वो आपको SMS आ जाता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। धन्यवाद जी, सिटी वीक न्यूज़ का भी, आप हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं जी, और उसके लिए भी धन्यवाद, हमारे जो व्यूअर्स के आपके व्यू लेते हैं और व्यूअर्स ही आपको लाइक करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद जी, सन सिटी में आने के लिए भी धन्यवाद जी। तो ये थे नवजोत जी जो सन सिटी में यहाँ पर वर्क करते हैं, तो इन्होंने मूवीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, खुल के बताई, तो अगर आप भी मतलब इस तरह की एंटरटेनिंग मूवी का शौक़ रखते हैं तो देखने के लिए ज़रूर आएँ। अगर आप यंगेस्ट हैं तो कबीर सिंह मूवी लगी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, हालांकि फैमिली मूवी नहीं है वो, लेकिन ये जो मूवी है फैमिली के साथ देख सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ देख सकते हैं, इसे यहाँ पर मूवी देखने के लिए ज़रूर आएँ। और मूवी के रिव्यूज़ के लिए अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ सिटी बिग न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।